नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर कमिश्नर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर की स्वच्छता रैंकिंग की हुई पड़ताल, 3 चरणों के बाद आएगा परिणाम। लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ किया बैठक, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश। गुरुवार को 7 लोगों ने खरीदा पर्चा, लेकिन नहीं हुआ कोई नामांकन, व्यवस्था रही चुस्त दुरुस्त। एएसपी चारू निगम का हुआ एसपी रैंक पर प्रमोशन, किया खुशी का इजहार। जीएसटी में व्याप्त खामियों को दूर करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा ज्ञापन। पीपीगंज रेलवे स्टेशन के पास एक युवक के साथ जहर खुरानी कर 4 अज्ञात लोग ले उड़े 40,000 नगद के साथ एक स्मार्टफोन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उड़न दस्ता टीम का हुआ गठन, सौंपी गई जिम्मेदारियां। शहर में जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कसी कमर। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एनएसएस ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। आशा बहुओं का हुआ मासिक बैठक, जिले के पदाधिकारियों के चयन पर हुई चर्चा। राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के बैनामेदार आवंटियों को प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को कब्जा देगा जीडीए। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत बीएसएनएल ने रेलवे को 25 रन से और सीएजी ने दबंग को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर गोरखपुर के सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी की बैठक गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कमिश्नर अनिल कुमार ने की। बैठक को संबोधित करते हुए कमिश्नर ने उपस्थित अधिकारियों को जिले के असामाजिक तत्वों पर सतर्क निगाह रखने, अवैध अस्त्र शस्त्र और मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव पूरे क्षेत्र के लिए संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के एसडीएम तथा थाना अध्यक्षों की बैठक कराकर आवश्यक व्यवस्था कराएं। इस बैठक में लिए गए निर्णय तथा मतदान के दिन संपादित की जाने वाली कार्यवाही की सूचना गोरखपुर को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि आने जाने वाले सभी रास्ते पर मतदान के दिन बैरियर लगाए जाएं, अवैध शस्त्र और मादक पदार्थों पर प्रभावी रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन भी आपसी संवाद बनाए रखें, बैरियर क्रियाशील रखें तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करें। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक नीलाब्जा चौधरी ने कहा कि सभी जिले निर्वाचन की व्यवस्था की सूचनाओं के आदान प्रदान एवं क्रियान्वयन के लिए प्रशासन एवं पुलिस की ओर से नोडल अधिकारी तैनात कर गोरखपुर को सूचित कर दें। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि असलाह जमा कराने में सहयोग करें तथा सीमावर्ती क्षेत्र के गाँव के चौकीदारों की बैठक भी करा लें। बैठक में जिलाधिकारी महराजगंज वीरेंद्र कुमार सिंह, देवरिया के सुजीत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक गढ़ सीडीओ अनुज सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभुनाथ, रजनीश चंद्र, विधान जायसवाल, सभी उप जिलाधिकारी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 13 फरवरी को आरओ के रूप में हमारे द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। ये प्रक्रिया 20 तारीख तक चलेगी, यानी 20 तारीख नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। उसके बाद 21 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी और 23 तारीख को नाम वापसी का दिन है और उसी दिन 3 बजे से अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स की कार्रवाई होगी। अलॉटमेंट की ऑफ सिंबल्स की कार्रवाई होने के साथ ही आप सभी अवगत हैं कि चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से शुरू हो जाता है और चूंकि हमारे यहाँ मतदान 11 मार्च को होना है, इसलिए 9 मार्च की 5:30 बजे तक चुनाव प्रचार चलने वाला है। 11 को चुनाव होगा और उसके 3 दिन बाद 14 मार्च को
मतगणना की कार्रवाई होगी। पूरे देश में संसदीय क्षेत्रों के ये तीन ही उपनिर्वाचन इस समय हो रहे हैं, जिसमें एक बिहार में है और दो उत्तर प्रदेश में है। चूंकि ये बहुत कम संख्या में है और तो जो स्थिति सामान्य निर्वाचन में होती है, जिसमें पार्टियों का, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ध्यान भी बटा रहता है और भारत निर्वाचन आयोग को भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी होती है। लेकिन जब बहुत ही सीमित संख्या में चुनाव होते हैं तो हर तरह का फोकस इलेक्शन कमीशन का भी पूरी प्रक्रियाओं को शुद्धता से करने के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपने प्रचार के लिए वो फोकस इन क्षेत्रों में लग जाता है। जो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र है, इसकी सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संवेदनशील है और अभी से भारत निर्वाचन आयोग की और हर प्रकार के मीडिया की नजरें यहाँ पर बहुत सघनता से लगी हुई है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हमारे जनपद के जो निकटवर्ती जनपद हैं, जिनकी सीमाएं मिलती हैं, हम लोग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट किए हैं, उसमें आपका सहयोग इस दृष्टि से बहुत आवश्यक है। चेकिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं, उसमें आपके जनपदों के जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनकी आपसी बातचीत हो, आपसी समन्वय हो और इस समन्वय के द्वारा हम लोग निर्वाचन की सारी प्रक्रियाओं को सुचितापूर्वक और निर्विघ्न और सुव्यवस्थित संपन्न कराएं। इसके लिए जो हमारे उस क्षेत्र के अधिकारी होंगे और आपका निर्देश होने के बाद आपके अधिकारी भी होंगे, वो आपस में समन्वय करेंगे और विशेष रूप से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मोटर वाहन ये आपके जनपदों से हमारे जनपद में आएंगे, जिसमें मतदान होगा उस पे एक समय सीमा निर्धारित करके हम लोग बॉर्डर को सील करेंगे। लेकिन उससे पूर्व जो पूरा प्रचार का समय है और जो समय अभी चल रहा है, उसमें भी हम लोगों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ ₹50,000 से ऊपर की धनराशि लेकर ना चले, और लेकर चले तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट्स हों, सपोर्टिंग पेपर्स हों। और इसके अलावा असलाह लेकर लोग, चाहे लाइसेंसी हो चाहे गैर लाइसेंसी हो, गाड़ियों में चलते हैं उस पर भी प्रतिबंध है, तो उसमें भी आपका सहयोग चाहिएगा। इसके अलावा जो चुनाव प्रचार की सामग्री है वो भी इन गाड़ियों में जाती है। अपने पूरे जनपद में जो भी गाड़ियां प्रचार के लिए संचालित होंगी और ये परमिट उनको अनिवार्य रूप से अपने विंडो स्क्रीन पर बहुत प्रमुखता से लगाना होगा। यदि ऐसा परमिट नहीं होगा तो वाहन जब्त किया जाएगा और उसको चुनाव के बाद ही छोड़ा जाएगा। ये व्यवस्था निर्वाचन आयोग के निर्देशों में है। इसके अलावा जब कैंडिडेट्स हमारे निर्धारित हो जाएंगे तो कैंडिडेट्स को और उनके इलेक्शन एजेंट को और उनके एक प्रतिनिधि को वाहन में अपने पूरे चुनाव क्षेत्र में घूमने की अनुमति उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर दिए गए परमिट के अनुसार होगी और वो उसी के अनुरूप घूमेंगे। उसमें शर्तें निहित होंगी, कितने लोग बैठेंगे, वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सड़क पर चलने के लायक हो, उसमें किसी प्रकार की वो अवांछित चीज़ें जो शर्तों के अंतर्गत नहीं है नहीं ले जाएंगे। उसमें केवल उसमें लिखा है कि एक ही झंडा लगाएंगे, तो इस प्रकार की चीजें हम लोग करेंगे, प्लान करेंगे। इसलिए उसके लिए हम लोग उसकी व्यवस्था देखेंगे और यदि वो मोटर मार्ग से आ रहे हैं तो जो स्टेट लेवल के लोग हैं
उनको जो परमिट देने की व्यवस्था है वाहन को चलाने के लिए, उसका इंतजाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से होता है। और यहाँ जनपद में जब आएंगे तो शर्तों, रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी भिगे हैं कि किसी भी वाहनों का जो कन्वॉय होगा वो किसी भी प्रचार में किसी के भी आगमन पर अनुमति प्राप्त 10 वाहनों से अधिक का नहीं होगा। कन्वॉय शुड नॉट बी मोर देन 10 व्हीकल्स, ये स्पष्ट रूप से इंगित है। और ये हम लोग को सुनिश्चित कराना है जब वो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए एरिया में आएंगे, यानी हमारे जिले में आएंगे, तो आपके सहयोग से हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस कॉन्वॉय के सिस्टम की हम लोग पालना करा लें। सभाएं आपके यहाँ नहीं होंगी, सभाएं संसदीय क्षेत्र में ही होंगी जिसमें निर्वाचन हो रहा है, उसकी व्यवस्था हमने बना ली है। और आप लोग जो अभी 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी गोरखपुर की और इलाहाबाद की, उसमें जो विचार विमर्श हुआ था उससे बात निकल के आई थी कि हमारे जनपद से जो सटे हुए जनपद हैं जिनकी सीमाएं मिलती हैं, क्योंकि कहीं पर भी चुनाव नहीं है, पूरा सामान्य जीवन है, वहाँ के लोगों को बहुत इम्पैक्ट भी नहीं है, तो इसलिए उस निकटवर्ती एरियाज के ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करने के लिए वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बैठक कर ली जाए। आप उसको देख कर उसके अनुवर्ती आदेश अपने अधीनस्थों को दे देंगे तो इस कार्य में हम लोगों को सहायता मिलेगी। पुलिस की कुछ व्यवस्थाएं जो होनी है और जिस प्रकार से बैरियर्स लगेंगे, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो उन पुलिस व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। और और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सकुशल कराएं, निष्पक्ष रूप से कराएं और निर्भय मतदान यहाँ हो। लेकिन जो आसपास के जनपद हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं या जो मेजर कारण हो सकते हैं, क्योंकि अपराध के लिए और चुनावी दबंगई के लिए राजनीतिक सीमाएं उस हद तक जिम्मेवार नहीं होती जितना उस इलाके का माहौल जिम्मेवार होता है। बेशक बस्ती से हमारी सीमा नहीं लगती, लेकिन बस्ती जेल में हमारे बड़े लोग हैं तो बस्ती जेल का असर गोरखपुर पर भी पड़ता है। डाउट था कमिश्नर सर, बस्ती को के बोला, अब मेरा हम लोग का डाउट क्लियरिफाई तो ऐसे तमाम जगह हैं और जहाँ से कि यहाँ के क्राइम पे, यहाँ के लोगों पे या यहाँ के राजनीतिक वर्चस्व पे असर पड़ता है, और हमें उस दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। फिजिकल बैरियर्स हमारे कुल 27 बैरियर्स हैं जो अलग अलग सीमाओं पे हैं, उसकी डिटेल दे देंगे। हमारे पास फिलहाल जो है वो 12 ऑपरेशनल हैं और पूर्ण 27 हैं और 12 हमारे पास ऑपरेशनल हैं अलग अलग थानों में। चूँकि ये चुनाव जो है इसमें हमारे जनपद में भी सभी हिस्सों में चुनाव नहीं हो रहा है, बावजूद इसके पूरे जनपद पे आचार संहिता लगी हुई, तो ये बैरियर हमने हर जगह लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि केवल चुने हुए बिंदुओं पर ही लगा रखा है कि ये थाने में चुनाव नहीं है तो हमने उसको नहीं लगाया है, वहाँ भी लगा हुआ है। और इसीलिए ये जो बॉर्डर की मूवमेंट है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हथियारों के हमारे यहाँ तो जमा हो रहा है, लेकिन जो बॉर्डर के जनपद है नजोनी वहाँ जमा नहीं हो रहा होगा। अब नई बाज़ार और गौरी बाज़ार में बहुत फ़र्क नहीं है, ये चौरी चौरा और गौरी बाज़ार हमारे लिए कोई अलग अलग पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री भले ही हो, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व के लिए या वहाँ से खुराफात करने के लिए आने वाली टीमों के लिए कोई अलग बाउंड्री नहीं है। तो ये हमारे बिंदु हैं। इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग से हमें जो फ़ायदा होगा वो ये, हम चाहते हैं, हमारी जो अनुरोध है हमारा आप सबसे वो यही है कि जो आसपास के इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, और विशेष रूप से उन इलाकों से कि जहाँ से हमारा अपराधियों का भी लेना देना है, जैसे बड़हलगंज का क्षेत्र है देवरिया को लेकर के, या पिपराइज का क्षेत्र है कुशीनगर को लेकर के, कबीरनगर तो मतलब हम लोग सगे भाई ही हैं, तो इस तरह के तमाम क्षेत्र हैं,
इनफैक्ट अम्बेडकर नगर और अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अम्बेडकर नगर और कबीर नगर और जो हमारा बेलघाट का क्षेत्र है इसमें व्यापक गतिविधियां होती हैं इस तरह की जिससे कि हम पर असर पड़ता है। तो ये इन क्षेत्रों में अगर उतनी ही सख्ती से जो आचार संहिता भले ही लागू ना हो लेकिन आचार संहिता लागू होने जैसी स्थिति अगर हम पैदा करते हैं तो उससे निश्चित तौर पर एक निष्पक्ष और निर्भय मतदान कराने में हमें सहूलियत। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत केंद्र और प्रदेश की सरकार साफ सफाई को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे पहले रखते हुए इस पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर रही है जिसका अब रिजल्ट निकलने वाला है। कार्बी नामक संस्था ने शहरों शहरों जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट जारी करने जा रही है। इसी के अंतर्गत आज गोरखपुर के नगर निगम में कार्बी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले चरण में स्वच्छता संबंधी नगर निगम के दस्तावेजों को खंगाला। आपको बताते चलें कि संस्था तीन चरणों में स्वच्छता की परिणाम करेगी। पहला चरण डॉक्यूमेंटेशन का रहेगा और अंतिम चरण नागरिकों से बातचीत करके वो अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी। गोरखपुर न्यूज़ से एक विशेष बातचीत के दौरान संस्था के मुख्य जांचकर्ता दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया। अच्छा मान लो वहाँ भी कोई पेपर आपको चाहिए हो तो कितने कितने चरणों में होना है? अभी ये डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। अभी डॉक्यूमेंटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर जो है फील्ड ऑब्जर्वेशन में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। देन फिर फीडबैक लेना है, सिटीजन फीडबैक वो होना, उसके बाद रैंकिंग। कुल मिला के 3 दिन और? तीन दिन से ज़्यादा लग सकते हैं। शुरुआती तौर पर डॉक्यूमेंटेशन क्या लग रहा है गोरखपुर? डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है, अभी स्टार्ट है, देखिए क्या होता है। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा की अध्यक्षता में एडीजी कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में आईजी नीलाब्जा चौधरी, एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी मौजूद रहे। बैठक में एडीजी ने लोकसभा के उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाताओं के सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए जाएँ। सभी बूथों पर पुलिस की तैनाती की जाए, पैरामिलिट्री फोर्स तथा पुलिस का संयुक्त गश्त कराया जाए जिससे लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव दिख सके। एडीजी ने इंडो नेपाल सीमा पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए तथा मतदान को सुरक्षा के साथ संपन्न कराने को कहा। अपना हिसाब किताब मिलान है, बहुत सारे खाली कुछ फोटो खींचे, बहुत सारे भैया चाय पिला दो सर। सर गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी नामांकन नहीं हुआ जबकि 7 लोगों ने पर्चा खरीदा है। नामांकन स्थल का निरीक्षण कर एसपी नॉर्थ गणेश साहा और एसएसपी चारू निगम ने व्यवस्था का जायजा लिया। गुरुवार को पर्चा लेने वालों में रामकिशन, शैलेश कुमार, दयानंद यादव, रामपाल जायसवाल सहित 7 लोगों ने पर्चा खरीदा। अब तक कुल 20 लोगों ने पर्चा खरीदा है लेकिन अभी तक नामांकन का खाता नहीं खुला। भैया मैट्रिक देख करवा लगा ला भैया, मैट्रिक नहीं रहा हूं। हे राहुल जी, राहुल जी यही है दुर्गे जी, इनके बारे में बात नहीं करते, यार गलती हो गई है, पार किया है विराट के ऊपर कुछ भैया। अरे भैया हम लोग के जो पार्टी
मुकदमा पसाब लोग बटलाना है साहब अधिकारी लोगों को मौका लो उनके नाते की बात कर खजनी के क्षेत्राधिकारी तथा एएसपी चारू निगम को पुलिस विभाग द्वारा प्रमोशन दिया गया है। अब एएसपी चारू निगम पुलिस अधीक्षक के पद पर पहुंच गए, जिस पर गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने एएसपी चारू की वर्दी पर अशोक का स्तंभ लगाकर एएसपी रैंक पर पहुंचने पर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसपी नॉर्थ गणेश साहा मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चारू निगम ने अपने प्रमोशन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, पहला प्रमोशन है तो अच्छा ही लगता है, और एडीजी सर, एसएसपी सर, एसपी नॉट सर सब ने बैच लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी ब्लेसिंग लेकर आगे का काम करने के लिए मुझे प्रेरणा मिली है, बस इतना ही कहना है। जैसे अभी तक काम करती आई हूँ उसी तरीके से आगे काम करूँगी, उससे बेहतर करने का प्रयास करूँगी, और जिस तरीके से सभी लोगों का प्रमोशन होता है हमारे काडर में उसी तरीके से हुआ है, तो कोई बहुत वो नहीं है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, उनको निभाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा महसूस हो रहा है, पहला प्रमोशन है तो बहुत खुशी हो रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीएसटी में आ रही कठिनाइयों को दूर करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने गुरुवार को तारामंडल स्थित आयकर भवन परिसर में शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंडल के सदस्यों ने एडिशनल कमिश्नर विजय कुमार के माध्यम से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर मंडल के जिला अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी, जिला महामंत्री मदन लाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, जवाहर कसौधन, मदन लाल गुप्ता, विश्व मोहन तिवारी, विशाल गुप्ता, अरशद जमाल सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना है कि जब से जीएसटी लागू हुई है तब से जीएसटी पोर्टल सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। इस कारण व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनका कहना है कि संबंधित विभाग द्वारा व्यापारियों का आए दिन उत्पीड़न किया जा रहा है, जो अब बर्दाश्त योग्य नहीं है। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जवाहर कसौधन ने कहा, ज्ञापन देने हम लोग ज्ञापन जीएसटी के लिए दे रहे हैं। जीएसटी जो लगा बहुत अच्छा कानून लगा और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। सालों साल से अधिकारी हम लोग को समझाते रहे, प्रशासन शासन समझाता रहा, हम लोग बड़ी अच्छी तरह से माने। लेकिन इस समय जो वाणिज्य कर के लोगों का जो उत्पीड़न है, टैक्स हमसे लें, हम टैक्स देने के तैयार हैं, लेकिन उत्पीड़न न करें। उत्पीड़न के विरोध में हमारे छोटे छोटे व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी हर तरह से परेशान हैं। तो परेशानी के लिए ही हम सरकार नहीं बनाए, ये मेरी सरकार है। मूल रूप से क्या दिक्कत आ रही है? मूल रूप से दिक्कत जो रोडों पर चेकिंग कर रहे हैं, सड़क पर चेकिंग कर रहे हैं और सही कागज रहते हुए भी हमें परेशान कर किया जा रहा है, तो इससे हमें मुक्ति। कौन लोग परेशान कर रहे हैं, किसके द्वारा? ये बारिश करके लोग परेशान कर रहे हैं। सचल दल SIB जितने लोग हैं बारिश कर से सटे हुए, सबके सब इस समय एक समय उग्र हो गए हैं। लगता है जैसे हम ही लोग आतंकवादी हैं, जो हम ही लोग टैक्स देने वाले, हम ही लोग सरकार बनाने वाले, हमारी सरकार ही, देश हमारा है और हम ही को आज मैं दे रहा हूँ। मेरे ही जीएसटी देने से आज विकास हो रहा है, सड़क का विकास, नाली का विकास, बिजली का विकास। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? डिमांड है ये उत्पीड़न बंद किया जाए, एक व्यवस्था के तहत काम किया जाए, सरलीकरण सुधार हो जाए, सुधार करने सारे हमारे व्यापार। जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल के लाख प्रयास के बाद भी ट्रेनों में जहर खुरानी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यात्री ट्रेनों में आए दिन जहर खुरानों को शिकार बना रहे हैं। जहर खुरानी का एक ताज़ा मामला गुरुवार को प्रकाश में आया। नेपाल के अर्धा खांची जिले के श्यामकोट गांव का रहने वाला 28 वर्षीय बसंत आगरा में पल्लेदारी का काम करता है। 14 फरवरी की सुबह वह युवक आगरा स्टेशन से एक ट्रेन से गोरखपुर के रास्ते नेपाल जा रहा था, तभी पीपीगंज रेलवे स्टेशन के आसपास उसे 4 अज्ञात लोगों ने नशीली मिठाई दी, जिसे खाने के बाद वो बेहोश हो गया। गुरुवार को गोरखपुर स्टेशन पहुंचने के बाद होश आने पर युवक ने अपनी आप बीती बताई। पीड़ित युवक ने बताया कि जहर खुरानों ने उसके पास रखे 40,000 रुपये और एक स्मार्टफोन ले उड़े हैं। युवक का जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। Thank you.
क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अहमद साहब ट्रेन में घटना हुआ, ऐसे घटना उन्होंने चाहिए था, घटना हो गया। 40,000 रुपया मेरे पास जेब में था, जेब काट डाला उसने। किसने जेब काटा, कहाँ काटा, कहाँ से निकले थे, कहाँ जा रहे थे? वो एरिया मालूम नहीं है मेरे को, क्या करें इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। एरिया मालूम नहीं है उसने, बस ऐसे किया। ट्रेन में काटा गया? ट्रेन में जेब काट डाला बस। कहाँ से? मोबाइल भी लेके गया। कहाँ से निकले थे? हम वहाँ आगरा से आए थे। कहाँ जा रहे थे ट्रेन से? ट्रेन से इधर आ रहे थे। नेपाल बोले? नेपाल बोला, पास करने वाले थे। किस स्टेशन पे तुम्हारे साथ ये घटना हुई? ये स्टेशन पता नहीं है मेरे को। क्या खाया था तुमने? अबे एक लड्डू जैसे कुछ दिया था उसने। कितने लोग थे वो लोग? 4 लोग थे वो लोग। कल की बात है, कल रात की बात है। तो पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास नहीं गया तो मैं तो बेहोश करते हैं ना हमको तो। गोरखपुर में कहाँ पर होश में आया तुमको? गोरखपुर आने के बाद बस ऐसे में आ गया, बस गोरखपुर तक मैं पहुँच के आया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उड़न दस्ता टीम का गठन किया जा चुका है। ये जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभु नाथ ने दी। उन्होंने बताया कि उड़न दस्ता टीम गठन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 323 गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में तैनात विजेंद्र कुमार जई जल निगम के स्थान पर कर निरीक्षक अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत विजय कुमार साहनी को नियुक्त किया गया है। वहीं 321 पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में निर्माण खंड तैनात सहायक अभियंता अफजाल अहमद के स्थान पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कर अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि 323 गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में तैनात उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गोला डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव के स्थान पर पशु चिकित्सा अधिकारी जगत बेला विकास श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। वहीं 324 सैजनवा विधानसभा में तैनात जल निगम के सप्तम मंडल के सहायक अभियंता ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव के स्थान पर विकास खंड ब्रह्मपुर रमेश चंद्र कुशवाहा की तैनाती तत्कालिक प्रभाव से की गई है। उन्होंने कहा कि ये तैनाती अधिकारी अपने साथ लगे पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तथा संबंध वीडियोग्राफर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य का संपादन सुनिश्चित करेंगे। गुरुवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने शहर के मुख्य नालों का जायजा लिया और नालों की गहराई से सफाई करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य नालों के आसपास सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों को भी सख्त निर्देश दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, पानी जो है 6 फीट नीचे होना चाहिए, इतना खोद दो कि पानी का लेवल जो है दोबारा पानी पाने का ऐसा ना हो कि गलती। कहाँ तक करोगे, यहाँ से कहाँ तक ले जाओगे? बाउंड्री कहाँ पर होगी कहेंगे तो बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री तोड़ के ले जाओ। बाउंड्री के अंदर नल्ला है यहाँ से, तोड़ दो बाउंड्री तोड़ दी, कैसे बाउंड डाले भी होगी बाउंड्री। बात करा लो, बीच में भी मान लो कोई विवाद आ रहा है तो
ठीक है, कितने घंटे काम किया लाख रुपये पूरा रिकॉर्ड रखोगे, आज तो तुमको देना है तो एक कागज पे नोट करके रख लो तुम्हारी जो है बुकलैंड में कितना जो है नाले सफाई में तेल खर्च हो रहा है, ये पूरा जो है अलग से इसका डिटेल रिकॉर्ड बनेगा। जाओ काम करो। गोरखपुर शहर में जल जमाव की समस्या से, सीवर के निस्तारण की समस्या से निस्तारण के लिए इस वक्त बृहद कार्य योजना बनाते हुए सभी 230 नाले जो हमारे, इनकी सफाई का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज 11 प्रमुख नाले हैं, जिनमें से एक ये आज नाला है जहां पे हम सब लोग खड़े हैं, इसकी सफाई का कार्य यहां से आज से प्रारंभ किया गया है। आज से ये अनवरत अभियान चलता रहेगा। इसमें जो नाले हैं इनमें जो गाद जम गई है, जो सिल्ट जम गई है, इसको पूरा नीचे से खुदाई करके तली झाड़ सफाई की जाएगी, पूरी सिल्ट को हटाया जाएगा ताकि पीछे से आ रहा नाले का पानी निर्बाध रूप से आगे जा सके। इस नाले की सफाई के लिए अलग से अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। आज 3 प्रमुख नाले बसियाडी और एक इलाहीबाग और एक सर्किट हाउस के पास से पैडलेगंज, इन 3 नालों की सफाई का अभियान शुरुआत किया गया है, जिसमें सभी जोनल अधिकारी और मैं नगर आयुक्त खुद इस अभियान की देखरेख करेंगे। जितनी सिल्ट निकलेगी उस निकली हुई सिल्ट की फोटोग्राफी कराई जाएगी, जितना तेल का अपव्यय होगा अलग से उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि हम इस अभियान पे किए गए कार्य में आने वाले खर्च को भी लेखा जोखा बना सकें। कार्य में जो मैन पावर लगाया जाएगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और अलग से इसके लिए मैन पावर स्वीकृत किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि आने वाले बरसात से हम पूर्वानुमान लगाते हुए इस प्रकार तैयारी करें कि किसी भी प्रकार की जल जमाव की समस्या ना आने पाए। Yeah.
रेस्टोरेंट में? जी हाँ, आपके विभाग से और जर्नलिस्ट से मुकदमा भी इस तरह। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हैं। ऊपर आ नहीं पाएगा, गिरने से अंदर चला जाएगा, फिर निकल नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं होगा, अपने को नहीं। इधर जो अंदर गया टूटेगा, अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, फिर आप ढूंढ नहीं पाएगा। अरे लड़के कहाँ बाहर निकले? नाले के ऊपर कोई न खड़ा हो भाई। अंदर गया फिर निकल, जो जगह जाएगा वो नहीं निकल। अरे उससे कहो, अरे सब मर जाएंगे। उधर बाहर निकाल दीजिए नाले में से, बाहर बुला ला उधर, बुला ला सबको उधर से, बाहर आओ, बाहर निकल जाओ, जाओगे सीधे इसके अंदर पानी है, गिर गए तो निकल नहीं पाओगे अंदर से। लड़कों को हटा दे, उसके ऊपर न चले जरा कभी, कहीं सफाई व्यवस्था में बाधा है। जी जी, निश्चित रूप से सफाई व्यवस्था में अवैध कब्जे बहुत बाधा हैं। जो नाले हैं जहाँ पे रास्ते सकरे हैं, उन रास्तों पे भी खासकर जो है नालों के किनारे जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं, उसकी वजह से वहाँ पे लोडर को ले जाने में, वहाँ पे पुकलैंड मशीन को ले जाने में, जेसीबी ले जाने में दिक्कतें आ रही हैं। हम उनसे बात भी कर रहे हैं और जो भी नालियों के ऊपर पट्टियाँ लगी हैं उनको हटा के हम तली झाड़ साफ कराई करेंगे, और जहाँ पे अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा उसको हटाने की भी कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता लागू है, इसलिए हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे अगर आचार संहिता प्रभावित है। लेकिन सभी लोगों को गोरखपुर संसदीय लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए NSS के छात्रों ने गुरुवार को चेतना तिराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 11 मार्च को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में लोगों को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोफेसर शरद मिश्र ने कहा, गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाली छात्रा प्रीति विश्वकर्मा ने कहा, अपने लोकतंत्र
को बनाए रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम किसी भी वर्ग जाति समुदाय अन्य किसी भी प्रलोभन में पड़े बिना सभी निर्वाचकों में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। मिश्रा है, मैं बाटिंग प्रोफेसर हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना का समन्वयक हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। आज हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। आगामी लोकसभा उपचुनाव जो गोरखपुर में होने हैं, हमारी जो इच्छा है कि 100% मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, बहनें निकलें, माँ निकलें, भाई निकलें, अपना काम छोड़ करके पहली बात निकलें घर अपने घर से और मतदान करें, ताकि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हों। इसलिए गोरखपुर की जनता को हम जागरूक बना रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सबको समझा रहे हैं कि यदि हमें स्वस्थ लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र चाहिए तो हमें अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें एक नागरिक के रूप में इस देश में हमें मिला हुआ है। मेरा नाम प्रीति विश्वकर्मा है और हम भवानी प्रसाद पांडे पीजी कॉलेज करीब नगर चरगावा से आए हुए हैं। यहाँ हमने मतदान जागरूकता से संबंधित एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत की और सभी को प्रेरित किया और सभी को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दिलाए कि वो सभी जाएं और जाकर के मतदान करें और अपने अधिकार का प्रयोग करें। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा के तत्वावधान में मासिक बैठक का आयोजन नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से कार्यकर्ती कल्याण सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्षा चंदा यादव, अनीता त्रिपाठी, किरण शुक्ला सहित संगठन की कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहीं। बैठक को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्षा चंदा यादव ने कहा कि आगामी दिनों में हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष और आशा बहुओं से चर्चा करके जिले के नए पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा। आप लोग को मालूम है कि जो जिला अध्यक्ष का चयन किया गया था, जिला की कमेटी तो नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने अपना जो भी कार्यभार जिला का है वो जिला का कार्यभार सही तरीके से उन्होंने नहीं किया, इसलिए जो है काफ़ी दिन से आपके जिला अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है, ना कमेटी बनी है, क्योंकि महामारी उसमें हो रही थी, इसलिए हम शांत थे। दूसरी बात, जब तक जिला अध्यक्ष का चयन नहीं होगा, जिला की कमेटी नहीं गठन होगी, तब तक हम चंदा यादव किस किस ब्लॉक पर हम जाएंगे। हमारा काम ऊपर का है, हमारा काम ये नहीं है कि हम ब्लॉक पर जाके मीटिंग करें, हम जिला पर आकर मीटिंग करें। हाँ, ऐसी कोई समस्या अगर वो काम हम कर सकते हैं, इतनी हमारी आशा बहने हैं, इसलिए जो है हम तंगी में आ चुके हैं कि जिला की कमेटी का आज हम नाम जो है सारे लोगों का नोट करेंगे, जिला अध्यक्ष का नाम नोट करेंगे और उसके साथ साथ अभी घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। 13-11 मार्च को चुनाव आपका होने वाला है, 13 मार्च को वोटिंग हो जाएगी। जब आचार संहिता खत्म हो जा रही है उसके बाद नाम सहित घोषित भी कर दिया जाएगा, तब तक जिला का जो भी कार्यभार होगा, जिला की सूचना होगी, राजेश पांडे जी को, नीता पांडे जी हैं, इनको जिम्मेदारी काफ़ी दिन से दिए हैं, ये लोग अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से जहाँ भी जाना होता है, दिल्ली लखनऊ जो भी हमें जरूरत होती है, ये लोग काफ़ी सहयोग गोला ब्लॉक के लोग कर रहे हैं। राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के अंतर्गत ऐसे आवंटिये जिनके द्वारा प्राधिकरण में पूर्ण भुगतान कर विक्रय विलेख निष्पादित करा दिया गया है, उनको स्थल पर ही माह के प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को कब्जा दिया जाएगा। ये बात सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण राम सिंह ने बताया। गुरुवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे मैच में बीएसएनएल टीम के कप्तान जोगिंदर सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मनीष मिश्रा 118 रन और अंशुल कपूर के 103 रन की बदौलत 40 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 275 रन का विशाल लक्ष्य मेहमान टीम के सामने रखा। 276 रन का पीछा करने उतरी रेलवे की टीम 250 रन पर ऑल आउट हो गई और बीएसएनएल इस मैच को 25 रन से जीत लिया। रेलवे की तरफ से विकेटकीपर अवनीश सिंह 86 रन और
आशीष यादव 52 रन बनाए। बीएसएनएल टीम के मनीष मिश्रा को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के मैदान में प्रतियोगिता का एक अन्य मैच दबंग और सीएजी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दबंग की टीम ने 40 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए। दबंग की तरफ से रतन कुमार ने 83 रन, हसन खान ने 62 रन, 211 रन का पीछा करने उतरी सीएजी की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 30 ओवर में ही लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सीएजी की तरफ से रंग राजन द्विवेदी 63 रन और विकेट कीपर मनेन्द्र 52 रन बनाए। रंग राजन द्विवेदी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जीएम सिंह ने दिया। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क सही नहीं हुआ। कट खेलना चाहते थे लेकिन वाइट और थर्ड मैन के बीच में से एक बार फिर अच्छा सर एक बार फिर जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर कमिश्नर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर की स्वच्छता रैंकिंग की हुई पड़ताल, 3 चरणों के बाद आएगा परिणाम। लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ किया बैठक, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश। गुरुवार को 7 लोगों ने खरीदा पर्चा लेकिन नहीं हुआ कोई नामांकन, व्यवस्था रही चुस्त दुरुस्त। एएसपी चारू निगम का हुआ एसपी रैंक पर प्रमोशन, किया खुशी का इजहार। जीएसटी में व्याप्त खामियों को दूर करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा ज्ञापन।
पीपीगंज रेलवे स्टेशन के पास एक युवक के साथ जहर खुरानी कर चार अज्ञात लोग ले उड़े 40,000 नगद के साथ एक स्मार्टफोन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उड़न दस्ता टीम का हुआ गठन, सौंपी गई जिम्मेदारियां। शहर में जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कसी कमर। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से NSS ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। आशा बहुओं का हुआ मासिक बैठक, जिले के पदाधिकारियों के चयन पर हुई चर्चा। राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के बैनामेदार आवंटियों को प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को कब्जा देगा GDA। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत BSNL ने रेलवे को 25 रन से और CAG ने दबंग को 5 विकेट से हराया। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।